बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज़ नासिर तुफैल और मैं क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर हूं। 11 साल से क्रिमिनल प्रैक्टिस में हूं, यही मेरा तारुफ है। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी FIR इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 CRPC। गो के ये टॉपिक काफी लेंथी है, इस पे हम एक नहीं कोई 10-20 लेक्चर्स जो हैं वो दे सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को हम प्रिसाइज और कंसाइज मैनर में कंक्लूड करने की कोशिश करूं। जब भी कोई ऑफेंस जो है कमिट होता है तो सबसे पहला काम जो है वो यही होता है कि हमने किस तरह से मशीनरी ऑफ लॉ को जो है हरकत में लेके आना है। ऑफेंसेस को सीआरपीसी ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और दूसरे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंस जब भी कमिट होगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन का जो तरीका कार है वो हमें सीआरपीसी ने बताया कि 154 सीआरपीसी के तहत उसकी FIR दर्ज होगी। और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो उसका तरीका कार जो है वो 155 सीआरपीसी में दिया हुआ है। हमारा जो टॉपिक है फिलहाल वो है FIR, और FIR हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस में कमिट होती है। जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो गया, कोई भी शख्स, चाहे वो अग्रीव पर्सन है चाहे वो कोई स्ट्रेंजर है, वो FIR की रजिस्ट्रेशन के लिए कंसर्न पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन जो है वो पास कर सकता है। FIR की रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी पार्टी का अग्रीव्ड होना जो है वो जरूरी नहीं है। अगर हम बात करें जी कि FIR जो है वो होती क्या है, एकेडमिकली क्वेश्चन आता है जी कि व्हाट इज FIR, तो FIR को सीआरपीसी ने कहीं भी डिफाइन नहीं किया। FIR की मुख्तलिफ डेफिनेशंस आपको आपने पहले भी पढ़ी होंगी। तो FIR बेसिकली एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि पुलिस प्रिपेयर करती है व्हेन दे रिसीव ए इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। FIR इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस व्हेन दे रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये FIR जो है क्यों दर्ज की जाती है, पहले मैंने गुजारिश की कि इसका जो मेन पर्पस होता है, जो इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है वो यही है, टू पुट द लॉ इनटू मोशन, टू सेट द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन मोशन, कि आपने कानून को हरकत में लेके आने के लिए FIR दर्ज करवानी है। कानून को हरकत में लेके आने के लिए लॉ ने हमें, प्रोसीजर लाने में दो मोड बताए हैं। द फर्स्ट वन इज FIR एंड द सेकंड इज प्राइवेट कंप्लेंट। आज का हमारा टॉपिक क्योंकि FIR है तो हम सिर्फ FIR की ही बात करेंगे। FIR जो है किन सेक्शंस के तहत दर्ज होती है, मैंने पहले भी गुजारिश की कि 154 सीआरपीसी के तहत FIR दर्ज होती है।
लेकिन जस्ट 154 सीआरपीसी जो है वो कोई वही रेलेवेंट लॉ नहीं है इसका। इसके लिए और भी लॉज हैं जो एफआईआर से डील करते हैं। कोई बता सकता है मुझे कि एफआईआर से मुतलक और कौन सा रेलेवेंट लॉ है प्रोसीजरल लॉ में 154 के अलावा? सर, चैप्टर 22 ऑफ पुलिस रूल्स जी, फॉर पुलिस रूल 1934। चैप्टर आपने कौन सा बताया? सर चैप्टर 22 ऑफ पुलिस रूल्स 1934। जी, इसका रेलेवेंट लॉ जो है एफआईआर से मुतल 154 के अलावा चैप्टर 24 का जो रूल 1 है वो बहुत अहम है। इसके अलावा चैप्टर 24 का जो रूल 5 है, 24-5, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी ने, 24-5 ने ही हमें इसका प्रॉपर जो फॉर्म है एफआईआर की, आप लोगों ने एफआईआर सब ने देखी होगी कि एफआईआर जिस फॉर्म में होती है वो फॉर्म हमें जो है वो 24-5 जो है वो प्रोवाइड करता है कि एफआईआर जो है वो इस तरीके से दर्ज की जाएगी। सीआरपीसी ने तो हमें जनरल बता दिया 154 ने कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो कमिट होगा और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टेशन हाउस ऑफिसर को पास होगी, तो स्टेशन हाउस ऑफिसर क्या करेगा? अगर तो वो इंफॉर्मेशन जो है इन राइटिंग है, उस पे इंफॉर्मेंट के साइन लेगा और उसको एक कंसर्न जो रजिस्टर है जो लॉ ने बताया है कि जी इस इंफॉर्मेशन को आपने इस रजिस्टर में दर्ज करना है, उसमें उसको दर्ज कर देगा। अब वो रजिस्टर कौन सा है? वो है एफआईआर रजिस्टर। ये एफआईआर रजिस्टर रजिस्टर नंबर 1 होता है थाने का। थाने के 25 रजिस्टर होते हैं जो हर पुलिस स्टेशन में मेंटेन करने जरूरी है। उनमें से जो रजिस्टर नंबर 1 है वो है एफआईआर रजिस्टर। 154 हमें ये बताती है कि वो जो कंसर्न रजिस्टर है उसमें वो इंफॉर्मेशन दर्ज कर दी जाए। अब हमें ये उसका आगे फॉर्म नहीं हमें बता रही 154 के, उसकी फॉर्म क्या होगी, वो फॉर्म हमें पुलिस रूल्स बताते हैं। 24-5 हमें ये बताता है कि इसकी फॉर्म क्या होगी। अभी रिसेंटली 2024 में पुलिस रूल्स जो हैं वो अमेंड हुए हैं और 24-1 को, 24-5 को, इसके अलावा जो चालान से रेलेवेंट पुलिस रूल है गालबंद 25-57 है, ये 25-53 भी है जो जिमनी से रिलेटेड है, सब में थोड़ कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं। पहले जो हम शुरू से यही पढ़ते आए, पुलिस रूल्स भी यही बताते हैं कि एफआईआर जो है उसके कितने पर्त होंगे, तो बताएगा जी एफआईआर के कितने पर्त होते हैं, कॉपीज जिसको हम कहते हैं, जब एफआईआर दर्ज की जाती है तो ये कितनी कॉपीज इसकी बनाई जाती हैं? सर 4 कॉपीज होती हैं इसकी। बिल्कुल, पहले यही सर लॉ था कि जिसकी 4 कॉपीज जो है वो कार्बन कॉपिंग प्रोसेस के जरिए से बनाई जाएंगी, लेकिन अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट्स आई हैं पुलिस रूल्स में उसके मुताबिक अब इसकी 5 कॉपीज होंगी। और ये अब कार्बन कॉपिंग प्रोसेस के जरिए से नहीं बनाई जाएंगी, ये डिजिटल प्रोसेस के जरिए से, यूनिफॉर्म प्रोसेस के जरिए से बनाई जाएंगी। 4 कॉपीज किस किस पर्पस के लिए होती हैं? एक जो पहली कॉपी होती है वो तो थाने के रिकॉर्ड के लिए होती है, दूसरी कॉपी जो है वो इंफॉर्मेंट को दे दी जाती है, तीसरी कॉपी जो है वो कंसर्न इलाका मजिस्ट्रेट साहब जो है उनको फॉरवर्ड कर दी जाती है, और चौथी कॉपी इसकी जो है वो, सॉरी मेरे जहन में नहीं अभी आ रही है, और पांचवी कॉपी अभी जो है इसकी जो है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को सर देने के लिए कंप्लेनेंट जो कंप्लेनेंट होती है को दी जाती है। जी, एक कंप्लेनेंट को दी जाती है, एक कंसर्न इलाका मजिस्ट्रेट को दी जाती है, हाँ सर एक एक एसपी ऑफिस जाती। एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो होता है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उसके ऑफिस में बैठता है।
बिल्कुल ठीक है। तो ये 5 कॉपीज अभी जो हैं FIR की होंगी। अभी वो जो 4 कॉपीज वाला कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा जो है ना वो आप जो है वो शिफ्ट कर। रिपीट कर उसके दें बाद जी सॉरी सर, इसको रिपीट कर दें, कॉपीज को एक पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में जाएगी, एक इन्फॉर्मेंट को पहली मिलेगी, एक FIR की मैजिस्ट्रेट को। 5 कॉपीज होंगी जी। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक कॉपी जो है कंसर्न इलाका मजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड की जाएगी, एक कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को फॉरवर्ड की जाएगी, एक कॉपी जो है वो इन्फॉर्मेंट जो होगा जो कंप्लेनेंट है उसको दे दी जाएगी, और एक कॉपी जो है वो जो है पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में रखी जाएगी, और 5वीं कॉपी जो है वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में भेजी जाएगी। आपने 24(1) को चैप्टर 24 रूल 1, चैप्टर 24 रूल 5, पुलिस रूल्स 1934, इनको और 154 को आपने इकट्ठे पढ़ना है। क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं अब ये पुलिस रूल्स की डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, आपने इन सब रूल्स को एक दफा खुद से पढ़ना है। अगर कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बाद में मुझसे पूछ सकता है। इसके बाद सर, ये बाजी चैप्टर 24 रूल 1 और 154 और तीसरा आपने कौन सा बताया? सर Chapter 24 Rule 1, Chapter 24 Rule 5 Rule 5 जी। इसके बाद जी FIR जो है, क्या बात बाबा इससे पहले, बाबा इसके दर्ज करने से पहले क्या कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है? तो आंसर इज नो। कोई भी प्री इंक्वायरी, कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन FIR के रजिस्ट्रेशन से पहले ही नहीं है। इसको बोल बाप काइंडली अपने माइक जो है वो ऑफ कर लें। इस पे आपको सर, आई हैव अ BCO क्वेश्चन पोस्ट सर। जो है वो मिलेंगे कि FIR की रजिस्ट्रेशन से पहले किसी भी किस्म की कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो इलीगल है। जब भी इंफॉर्मेशन पास हो गई, स्टेशन हाउस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है कि वो FIR को दर्ज करे। 154 की कंप्लायंस जो है वो मैंडेटरी है। अगर वो समझता है कि इंफॉर्मेशन गलत है, ऑफेंस कमिटी नहीं हुआ, तो उसके लिए लॉ ने एक प्रॉपर प्रोसीजर बताया है। कैंसलेशन ऑफ FIR की प्रोविजंस मौजूद है चैप्टर 24 रूल 7। हमें बताता है कि किन किन ग्राउंड्स पे FIR को कैंसिल किया जा सकता है, और सेक्शन 182 CRPC, सॉरी 182 PPC जो है वो इस एक्ट को पिनलाइज करती है कि अगर कोई शख्स फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है किसी भी पब्लिक ऑफिसर को पास करता है इस इंटेंशन के साथ कि वो पब्लिक ऑफिसर जो है वो किसी दूसरे को कोई जो है वो डैमेज करे, कोई इंजरी कॉज करे, उससे वो किसी दूसरे शख्स का कोई नुकसान हो, तो ये पीनल ऑफेंस है। तो इन्फॉर्मेंट के अगेंस्ट 182 की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो की जा सकती हैं। लेकिन 154 के तहत स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास ये अख्तियार मौजूद नहीं है कि वो FIR की रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज करे। ला यही कहता है, प्रैक्टिस में कुछ चीजें थोड़ी डिफरेंट है, FIR रजिस्टर कराना पाकिस्तान में मुश्किल काम है। चौबीस सात मैंने कोड किया, इंतहाई अहम पुलिस रूल है,
जिसने एक कैंसलेशन ऑफ एफआईआर की ग्राउंड्स को डिस्कस किया कि किन किन ग्राउंड्स पे एफआईआर को जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। मैं अभी 173 की रिपोर्ट पे जब आऊंगा तो फिर हम कैंसलेशन को इन डिटेल पढ़ेंगे और उसके बाद ये 24/7 को भी इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी 182 की प्रोसीडिंग्स की बात मैंने की, तो 182 में भी अभी रिसेंटली 2024 में अमेंडमेंट आई है। ये अब पहले 182 का कलंदरा बना करता था क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था और क्योंकि सिर्फ पुलिस का ही प्रीरोगेटिव था इसलिए कलंदरा बनता था, लेकिन अभी 182 को जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो करार दे दिया गया है, अब इसकी प्रॉपर एफआईआर हो सकती है। इसके बाद जी क्या एक अक्रंस की एक से ज्यादा एफआईआर हो सकती हैं? तो आंसर इज नो, एक अक्रंस की एक से ज्यादा एफआईआर नहीं हो सकती। 2018 में आप सब लोगों को पता होगा इस केस लॉ का, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 595 ऑनरेबल जस्टिस असद सईद खोसा साहब की लैंडमार्क जजमेंट एफआईआर पे, इसने सेकंड एफआईआर को बार कर दिया। इससे पहले ये डिस्प्यूट शुरू से लेकर चलता आ रहा था कि जी एक अक्रंस की कितनी एफआईआर हो सकती थी। इसमें डिफरेंट व्यू आए सुपीरियर कोर्ट्स की तरफ से, किसी ने कहा जी कि नहीं एक ही एफआईआर होनी चाहिए, किसी का व्यू ये था कि नहीं दूसरा व्यू जो है उसको भी ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए और उसके लिए एफआईआर दर्ज करने में कोई अर्ज नहीं है, बल्कि एक एक अक्रंस की दो दो तीन तीन एफआईआर हमने खुद देखी। लेकिन इस जजमेंट के बाद इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को जो है वो वंस फॉर ऑल जो है वो रिजॉल्व कर दिया गया कि एक अक्रंस की एक से ज्यादा एफआईआर नहीं हो सकती। अगर किसी दूसरी पार्टी की कोई ग्रीवेंस है, कोई दूसरी पार्टी समझती है कि जी कोई मेरे अगेंस्ट भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो मेड आउट होता है, तो उसका सलूशन ये बताया गया कि उस पार्टी का जो वर्जन है वो अंडर सेक्शन 161 CRPC जो है वो सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाएगा। कोई भी शख्स जो अपनी स्टेटमेंट जो है जो भी केस के फैक्ट से अक्वेंटेड विद है वो अपनी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC जो है वो रिकॉर्ड करवा सकते। सर वो सर मगरिब की अजान हो रही है नमाज के लिए, तो ब्रेक मिल सकती है? मगरिब की नमाज की अगर हम ब्रेक करेंगे, मैंने तो खैर वैसे यहाँ पे तो अभी असर हुई है, मैं तो सर पढ़ चुका, तो फिर क्लास आगे जो क्लासेस की टाइमिंग है वो सारी डिस्टर्ब होंगी। बाकी यहाँ पे एडमिन मौजूद हैं, सर उमर भी अगर मौजूद हैं, जिस तरह आप हुक्म करें मुझे तो कोई इशू नहीं है नमाज के लिए वैसे करने में कोई जी। नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ख्याल है कि जब ये सेशन 40 मिनट्स का कंप्लीट होगा तो 5 मिनट की ब्रेक दे देंगे, फिर रीज्वाइन करवा देंगे। जी ठीक होगा, ठीक होगा, ये वाली मीटिंग एंड होती है तो इसके बाद जो है ना वो हम 5-7 मिनट के बाद क्लास शुरू करेंगे। इस ड्यूरेशन के दौरान आप लोग नमाज पढ़ लें। जी एक अक्रंस की क्या एक से ज्यादा एफआईआर हो सकती हैं? तो एक अक्रंस की एक से ज्यादा एफआईआर नहीं हो सकती है अगर कोई दूसरी पार्टी जो है उसकी कोई ग्रीवेंस है तो वो अंडर सेक्शन 161 CRPC अपना वर्जन जो है वो रिकॉर्ड करवा सकती है, और आईओ अगर समझता है कि उसके वर्जन से ऊपर, आईओ जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो हर उस वर्जन को जो सफा मिसल पे आएगा उसको इंडिपेंडेंटली जो है वो इंटरोगेट करेगा, और अगर वो समझता है कि उस वर्जन के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो मेड आउट होता है,
तो वो उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स को अलहदा रिपोर्ट बनाएगा उसकी अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी, और उसको कंसर्न कोर्ट में जो है वो बजरिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर अलहदा से फाइल करेगा, जिसको हम क्रॉस वर्शन कहते हैं। अब इसी FIR सॉरी जजमेंट ने एक और क्वेश्चन जो है उसको भी आंसर किया कि क्या FIR जो है उसके दर्ज होने से किसी एक्यूज को जो है अरेस्ट करना जो है वो मैंडेटरी हो जाता है, कि FIR दर्ज हो गई तो आप जी इस शख्स को जो है वो नामजद किया गया है FIR में, इसको अरेस्ट करना जरूरी है। तो इसी जजमेंट ने इसका आंसर दिया, उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल FIR होने से किसी भी शख्स की, किसी एक्यूज की, कोई जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट कंप्लेन आई है उसको अरेस्ट करना कोई जरूरी नहीं है, बल्कि उसको उस वक्त तक अरेस्ट नहीं करना चाहिए पुलिस को जब तक उसके खिलाफ कोई सुफिशिएंट इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल ना आ जाए। जब तक पुलिस कोई ऐसी एविडेंस कलेक्ट नहीं करती जो उस अक्यूज को विद द कनेक्ट कर रही है विद द कमीशन ऑफ ऑफेंस, तब तक उसको अरेस्ट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि राइट टू लिबर्टी जो है किसी भी शख्स का फंडामेंटल राइट है, गलबन आर्टिकल 9 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, वो ये राइट टू लिबर्टी जो है वो हर शख्स को प्रोवाइड करता है, और किसी भी शख्स का जो फंडामेंटल राइट है जब तक कोई सॉलिड रीजन मौजूद ना हो तब तक ये राइट जो है वो कर्टेल नहीं करना चाहिए। इसके बाद जी FIR से मुतल्लिक एक इंतहाई अहम क्वेश्चन कि ये ये जजमेंट जो वगैरह भी FIR आज दर्ज होगी, वाली इस FIR की एविडेंशरी वैल्यू क्या है? ना ना मेरा बगली प्लीज बगली अपने माइक जो है वो ऑफ कर दें सब लोग, ये किसी का माइक है। सर, ये दोबारा से जजमेंट बताइएगा। PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 595 पेज 595 सुगरा बीबी केस। हम FIR की एविडेंशरी वैल्यू की बात कर रहे थे कि ये जो बुनियादी डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पे पूरे का पूरा केस जो है वो बेस करता है, ये जो फाउंडेशन होती है किसी भी केस की FIR, इसकी कोई वैल्यू भी है कानून की नजर में? तो इसकी एविडेंशरी वैल्यू जो है इस पे डिफरेंट जो है वो जुरिस्प्रूडेंस मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो FIR की एविडेंशरी वैल्यू है वो यही कहा जाता है कि जी FIR जो है इट इज नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, FIR जो है इट इज नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ये अगर सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है तो फिर इसको किस पर्पज के लिए जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोर्ट में ट्रायल के दौरान, इस FIR को फिर हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो लॉ में ये कहता है कि ये ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंट्राडिक्शन यूज हो सकती है, ये ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंट्राडिक्शन यूज हो सकती है, फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉपोरेशन यूज हो सकती है। दो चीजें मैंने बताई, एक तो फॉर द पर्पस ऑफ कंट्राडिक्शन और दूसरी फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉपोरेशन, ये यूज हो सकती है।
अब एक तीसरा व्यू भी इसकी एविडेंस की वैल्यू के बारे में मिलता है कि ये एज ए रेलेवेंट फैक्ट भी इस्तेमाल हो सकती है कुछ सूरतों में, एक फॉर द पर्पज ऑफ कंट्राडिक्शन, एक फॉर द पर्पज ऑफ कॉरोबोरेशन, और तीसरी एज ए रेलेवेंट फैक्ट। अब ये एज ए रेलेवेंट फैक्ट जो है कब इस्तेमाल हो सकती है, तो इसमें तीन आर्टिकल्स जो हैं लॉ ऑफ एविडेंस के, कानूनी सदर ऑर्डर के हमारे पास मौजूद है। एक आर्टिकल 19, एक आर्टिकल 49 और टू सम एक्सटेंट आर्टिकल 78 QSO। आर्टिकल 19 रेस जस्टाई का जो कॉन्सेप्ट है उससे डील करता है। आर्टिकल 49 जो है ये उन डॉक्यूमेंट्स की, उन एंट्रीज की जो पब्लिक रिकॉर्ड में एंट्रीज की जाती हैं, उन एंट्रीज की रेलेवेंसी से डील करता है कि कोई भी ऐसी एंट्री जो किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड में की है, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल ने या किसी और दूसरे शख्स ने, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, तो ये वाली जो एंट्रीज होंगी ये भी रेलेवेंट फैक्ट होंगी। ये मेरी क्लास हो रही है, जरा खामोश तो इस एफआईआर कर। को हम इन तीन आर्टिकल्स के तहत, इन तीन जो आर्टिकल्स QSO के आर्टिकल्स हैं, इनके तहत हम बताओ रेलेवेंट फैक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक केस लॉ नोट कर लें, ये जो सारी मैंने आपसे की इसकी एविडेंस की वैल्यू के बारे में, PLD 2016, PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 17। सर QSO के आर्टिकल रिपीट कीजिएगा प्लीज। आर्टिकल 19, आर्टिकल 49 और टू सम एक्सटेंट आर्टिकल 78। जी थैंक यू सर। जी वेलकम। ये माइक ऑफ करवा दें काइंडली। कि मैं तो कई दफा कह चुका हूं, मिस्टर नकीब सैरी शान, काइंडली यस अपने सर। माइक से ऑफ कर दें। जी जी, जजमेंट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं जी, कि PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 17। इसी के साथ एक और जजमेंट है जो FIR के एविडेंस की वैल्यू से डील करती है, 2014 SCMR, 2014 SCMR 749, 749। ये जो मैंने जितनी भी जजमेंट्स मैंने दो कोट की हैं, इन सबको आपने पढ़ना है। ये जस्ट नोट करने के लिए नहीं है, इनको आपने पढ़ना है एक दफा। जब आप इनको पढ़ेंगे तो फिर आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मजीद बेहतर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपने 17 बोला है या 70 बोला है? मैं दोबारा रिपीट कर, PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 7 पेज 17, 17 17, और 2014 SCMR पेज 749, 749। सबने कर लिए नोट जी? अच्छा जी, जी FIR सर। जो है इसकी हमने पढ़ा कि इट इज नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस।
लेकिन कुछ केस तो ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस भी हो सकती है, लेकिन किस सूरत में? ये अगर जो एफआईआर है, जिस शख्स ने एफआईआर जो है वो चार करवाई है, वो खुद विटनेस बॉक्स में आके ऑन ओथ जो है इसके जो कंटेंट्स हैं उनको अफर्म करता है, वो शख्स खुद जो है वो विटनेस बॉक्स में आके इसके जो कंटेंट्स हैं उनको अफर्म करता है, और उसके बाद वो क्रॉस एग्जामिनेशन के टेस्ट से भी गुजरता है, ठीक है? तो उसके बाद अगर वो फैक्ट्स जो हैं, वो कंटेंट्स जो हैं, वो स्टेब्लिश हो जाते हैं, तो फिर इस एफआईआर को जो है वो एज ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस भी माना जा सकता है, लेकिन जनरल व्यू यही है कि इट इज नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। इसके बाद ही हमारा जो अगला टॉपिक है वो इन्वेस्टिगेशन। सर, मेरा एक सवाल है एफआईआर के मुतालिक। जी जी प्लीज। जीरो सर, जीरो एफआईआर क्या होती है? एफआईआर जो है, ऐसी एफआईआर को कहा जाता है, मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया जी, कि इंफॉर्मेशन कंसर्न पुलिस स्टेशन में जब आए, कि जो जिस थाने की टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर ऑफेंस कमिट हुआ, एफआईआर ने वहां पे दर्ज होना, किसी दूसरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। ज्यूरिसडिक्शन से मुतलक सीआरपीसी में प्रोविजंस मौजूद हैं कि अगर ऑफेंस जो है वो कंटिन्यूस नेचर का है, या ऑफेंस किसी एक जगह पे उसका एक पार्ट कमिट हुआ है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो दूसरी जगह पे जाके राइज होते हैं, तो फिर कुछ ऐसी सूरतें भी होती हैं कि जिसमें आप एक से ज्यादा पुलिस स्टेशन में भी आपकी विल है कि आप जहां पे मर्जी एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, किसी भी जगह पे एफआईआर उस ऑफेंस की हो सकती है। एक ऑफेंस जो है वो ज्यूरिसडिक्शन तो उसकी किसी दूसरी पुलिस स्टेशन की बनती थी, लेकिन वो किसी दूसरे थाने में दर्ज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, दो थानों की, दो पुलिस स्टेशन की बाउंड्री के ऊपर एक ऑफेंस कमिट हुआ, इस बात का तयन नहीं हो रहा कि किस पुलिस स्टेशन की ज्यूरिस्डिक्शन बनती है। अब पुलिस स्टेशन वाले ये नहीं कह सकते, पुलिस ऑफिसर ये नहीं कह सकते जी मेरी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, आप जाएं जी मेरी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, आप जाएं। जो बंदा ऑफेंस को रिपोर्ट करने वाला है, कोई वहां से स्ट्रेंजर गुजर रहा है, एक जगह पे कत्ल हो गया, अब उसको तो नहीं पता कि ये जगह जो है किस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में आती है, उसने किसी दूसरे थाने में इंफॉर्मेशन पास कर दी, और वहां पे उस इंफॉर्मेशन को दर्ज करना जरूरी है। अगर वो एफआईआर जो है उस दूसरे पुलिस स्टेशन में दर्ज हो गई है, तो उस एफआईआर को हम क्या कहेंगे? वो जीरो एफआईआर। बाद में जब इस चीज का तयन हो जाएगा कि नहीं जी ज्यूरिस्डिक्शन तो दूसरे थाने की थी, तो फिर उसको जो है वो दूसरे थाने में जो है वो एफआईआर को दर्ज कर लिया जाएगा, और वहां से उसको जो है वो कैंसिल कर लिया जाएगा। जीरो एफआईआर का प्रॉपर कोई कॉन्सेप्ट सीआरपीसी में मौजूद नहीं है, ना ही पुलिस रूल्स में डायरेक्टली इसके बारे में कोई प्रोविजन मौजूद है, लेकिन ये जो मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ, इस पे जो है वो पुलिस रूल्स हमें गाइड करते हैं। इसमें चैप्टर 25 जो है आपका पुलिस रूल्स का, इसका रूल 4(1) तो मेरे ख्याल में गलत 4 ही है, चैप्टर 25 का रूल